बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आरके नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम जो टॉपर्स नोट्स है आरएस के, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। राजस्थान के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये है साथियों भारत का आधुनिक इतिहास, ये साथियों नोट्स है और इसके अंदर आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेंगे वो मैं इन नोट्स का रिव्यू करूंगा और रिव्यू के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले साथियों यहाँ पर आप देखिए, ये है आधुनिक भारत का इतिहास, इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको इन नोट्स के माध्यम से मैं इनका रिव्यू करके आपको देने वाला हूँ। कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं वो जानकारी लेने से पहले साथियों मैं आपको एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ साथियों, वो है स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट से संबंधित डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की बहुत ही प्यारी और विश्वसनीय गाइड है। जब आप समय का सही तरीके से सदुपयोग करते हैं तो आपको एग्जाम में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये तो साथियों राजस्थान से संबंधित गाइड है, इसका रिव्यू हम करेंगे आरएस वाली, ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है इसके बारे में। लेकिन साथियों इससे पहले मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण गाइड के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जो आप किसी भी स्टेट के हो चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। ये है विपिन चंद्रा की आधुनिक भारत का इतिहास, काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है साथियों। इसका भी रिव्यू अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं। स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वसनीय और प्यारी गाइड है साथियों। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इस पुस्तक का रिव्यू भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो साथियों डॉक्टर हुकुम जैन और ये है साथियों नारायण लाल माली, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परंपरा और विरासत, काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है साथियों। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की राजस्थान का इतिहास, बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय गाइड है, इसको भी पढ़ सकते हो। इसका रिव्यू इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। ये है साथियों आईएएस के टॉपर्स नोट्स, उनका भी रिव्यू मैं कर चुका हूँ। ये है नेट जेआरएफ के लिए एक महत्वपूर्ण गाइड साथियों, इसका भी रिव्यू इससे पहले हो चुका है। ये है साथियों आईएएस के टॉपर्स नोट्स और उसके बाद साथियों मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ आधुनिक विश्व का इतिहास, बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड है साथियों। इसमें आधुनिक विश्व का इतिहास बताया गया है, अच्छे से समझाया गया है। ये है साथियों कुछ आईएएस के टॉपर्स नोट्स, इनके बारे में भी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। आप आशा करता हूँ इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है उनको चेक कर लिया होगा। ये है साथियों कला और संस्कृति से संबंधित दृष्टि आईएएस की एक महत्वपूर्ण पुस्तक और ये एमसीक्यू से संबंधित है साथियों, भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति, दृष्टि आईएएस की, इसमें 2300 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यू दिए गए हैं, इनका भी रिव्यू इससे पहले हो चुका है। आशा करता हूँ साथियों इन एमसीक्यू की जो पुस्तक है उनका आपने रिव्यू जरूर देखा होगा। एक और विश्वसनीय गाइड साथियों जो एमसीक्यू से संबंधित है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दिशा पब्लिकेशन की ये गाइड आपके पास होनी चाहिए। इसमें सभी विषयों के बहुत ही महत्वपूर्ण 10,000 प्लस एमसीक्यूज दिए गए हैं, काफ़ी विस्तार के साथ इसमें समझाया गया है। तो ये साथियों इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। किरण पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण गाइड है साथियों, इसका भी रिव्यू आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। विश्व का इतिहास एनसीईआरटी सार महेश कुमार बर्नवाल। और एक और महत्वपूर्ण साथियों ये है एनसीईआरटी महेश कुमार बर्नवाल की एनसीईआरटी सार, इस पुस्तक को भी आप पढ़कर किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हो। ये तो साथियों जो मैंने अब तक गाइड बताई है, जितनी भी पुस्तक बताई है, सभी पुस्तकें इतिहास से संबंधित है। अब साथियों इतिहास से संबंधित अगर आपको किसी भी पुस्तक का रिव्यू देखना है तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर विजिट कीजिए, वहाँ पर भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की 21 पुस्तक का रिव्यू किया गया है, 22 पुस्तक है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित और लगभग 27 प्लस वीडियो बन जाएंगे इतिहास से संबंधित। तो इन पुस्तक को परचेज करने से पहले साथियों आप थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी ले लीजिए, उनका रिव्यू देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि उस पुस्तक में क्या मिलने वाला है। अब साथियों ये जो टॉपर्स नोट्स है इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूं कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसमें आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। सबसे पहले साथियों आप यहाँ पर पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब साथियों भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन इसमें समझाया गया है अच्छे से। उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में जानकारी दी गई है, बंगाल के बारे में जानकारी दी गई है साथियों, मराठा शक्ति का जो उत्कर्ष है उसके बारे में जानकारी दी गई है,
लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि है उसके बारे में जानकारी दी गई है। अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीति थी भारत में उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। साथियों अंग्रेजों की न्यायिक सुधार नीति क्या थी उसके बारे में जानकारी इसमें दी गई है। भारत में लोक सेवाओं का विकास कब से हुआ कैसे हुआ उसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप इसका रिव्यू देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। PDF चाहिए तो कॉमेंट कर सकते हो। मैसूर के बारे में जानकारी दी गई, पंजाब के बारे में जानकारी दी गई। साथियों गवर्नर जनरल के बारे में जानकारी दी गई, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के जो वायसराय है उनके बारे में जानकारी दी गई। 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आप देखेंगे सामाजिक और धार्मिक जो सुधार आंदोलन हुए उनके बारे में जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है उसके बारे में भी जानकारी आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगी। उसके बाद में 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसके बारे में जानकारी दी गई। मार्ले मिंटो सुधार क्या है उसके बारे में जानकारी दी गई। गांधी युग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों, एक क्वेश्चन तो पक्का गांधी युग से या गांधी जी से संबंधित आपके एग्जाम में आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। 1909 का भारत सरकार अधिनियम और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में जानकारी दी गई है। साथियों भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में जानकारी दी गई है। साथियों यहाँ पर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, विदेशी क्रांतिकारी आंदोलन और प्रमुख व्यक्तित्व है, भारत का संवैधानिक विकास, पूरी जानकारी आपको इस नोट्स के माध्यम से मिल जाएगी। अब साथियों इन नोट्स को पढ़ने से पहले अगर आप किसी भी प्रकार की ये सोचते हो कि यार ये नोट्स मैं अगर परचेज कर लूँगा तो मेरे को क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा, सबसे पहले साथियों मैंने इसमें जितने भी टॉपिक आपको बताए हैं इनमें से अगर आपके सिलेबस के अंदर वो टॉपिक है तो आप इनको ज़रूर पढ़ें। अगर अधिक जानकारी चाहिए आपको किसी भी प्रकार की आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और हमारी ऊर्जा का स्रोत तो मैंने आपको बता दिया, आप हो जो इस समय मेरा वीडियो देख रहे हो, इसलिए साथियों आप मेरी इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। साथियों चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने दूसरे भाई बहन जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा देना। ल्यूसेंट कौन कौन पढ़ रहा है कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई उम्मीद नई आशा की किरण के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।